अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां कुछ ही दूरी पर ग्राम पंचायत सोठिया रुजनखेड़ी में आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्व बाद भी मूलभूत सुविधाओं से तरसते लोग, दरअसल सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने तो कभी सरपंच सचिव को आते ही नहीं देखा, यह हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते हैं और ना ही कोई विकास का कार्य, बार बार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कहते हैं कि अगर कोई खबरें प्रकाशित होती हैं, जिस विभाग की खबरें हैं वह विभाग कार्यवाही करे, मगर सीएम साहब के आदेशों का अनदेखा कर रहे हैं। मामला बुधनी विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत सोठिया है, जहां मूलभूत सुविधाओं को लेकर जैसे कि रोड, नाली, सीएम आवास, शौचालय जैसी अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने रोष व्यक्त और मांग की है कि हमको शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा भेदभाव किया जाता है। ग्राम पंचायत सोठिया की महिला राबिया वी ने बताया, हम या कहीं बरसों से निवास कर रहे हैं मगर शासन की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारे घर में रोड का पानी भर जाता है, कच्चे झोपड़े में निवास कर रहे हैं, शौचालय नहीं दिया गया। जमीनी हकीकत देखने पर पता चला कि स्थिति कितनी गंभीर है, जो कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के गाँव में ऐसा हाल देखने को मिला। विकास के नाम पर गोलमाल किया जा रहा है। क्या समस्या है आपकी? मकानों में खाल का पानी घुसता है, ये नाली का पानी पूरा मेरे मकान में, देखो सब मट्टी हो रही है। तो आपको बीमार रहती हूँ, एक बच्चा है मेरे घर कमाने वाले में, और घर की स्थिति देख लो आप। मैं बेवा औरत। झुग्गी वगैरह आपको मिली? नहीं मिली। आपने इसके लिए सरपंच या सेक्रेटरी को बोला है? सबको बोल दिए भैया, और सरपंच कह रहा मेरे से घर से बांध ले लेटरिन बाथरूम, मैं तेरे खाते में पैसे डाल दूंगा। तो मैं बांधती तो फिर तुमसे लड़ती क्यों? मतलब गवर्नमेंट के तरफ से अभी कोई लाभ नहीं मिला आपको? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? क्या समस्या है आपकी? या कहीं झुग्गी नहीं मिल रहा है, पानी चूरिया है घर में, टूटा टापरा में पड़िया है, फिर सानून के झुग्गी दे रिया है, गरीब के झुग्गी नहीं दे रिया है, यह परेशानी है। तुम्हारे को अभी नहीं मिली? कहाँ मिली, वहाँ कहीं पन्ने और क्या समस्या है यहाँ पर? नाली की भी है, नाली पर गिरते हैं ना क्या? यहाँ आपके सेक्रेटरी साहब क्या, कौन है यहाँ? कोई भी नहीं सुनता है क्या? कोई भी नहीं सुना, कोई सेक्रेटरी सुना ना, कोई सरपंच। सेक्रेटरी को पहचानते हो आप? हाँ पहचानते हैं। आते हैं कभी यहाँ पर? नहीं आए इधर, कोई भी नहीं आए, वही तो वोट ले जाता है। आपका हरि प्रसाद गबुलाल? उनका बुलाल हरियाल है। कहाँ रहते हो आप लोग? रुजनखेड़ी ग्राम। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? सोठिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है, ये रोड की भी समस्या है, नाली नहीं है, रोड पे पानी जाता है। हाँ यहाँ लाइट भी नहीं है, जगह जगह उधर लाइट लगा है, हमारे मोहल्ला में लाइट नहीं है। अच्छा, और मंदिर पे जैसे कहीं पे भी आए उनका बेला पड़ता है, बेचारे पानी का बेला पड़ता है, जाकर ऊपर निकलने का रोड सकड़ा है, रोड सही नहीं है, आफत पड़ते हैं। बहुत जातरु आती है मंदिर पे, मतलब मंदिर पे ये जातरु पूजा वाले भी आते, उपास वाले भी आते, सब आते, बहुत बेले पड़ते हैं। पानी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, कहीं को नल टूट रहा है तो कहीं का बिगड़ रहा है, कहो तो सुधर, मतलब सुनी ही नहीं कोई। नहीं, नसरुल्लागंज तहसील का प्रमुख स्थान होने के बाद भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है यात्रियों के लिए? है नहीं ज़्यादा। अभी मैंने वहाँ देखा है हैंड पंप लगा हुआ है, वो एक बिगड़ेल पड़ा, हम कभी से महीना भरा होगा उनका खबर दे देंगे। भाई माँ पानी जो भरा हुआ है तो मैं आपका जितेंद्र योगी। कहाँ रहते हो? सोठिया ग्राम सोठिया। क्या समस्या है आप? हमारी समस्या यह है, अभी सुहास सरपंच बने थे, 5 साल हो गए, उन्होंने हमारे को झुग्गी नहीं दी, और अब जो नए सरपंच बने इनसे भी हमारी यही कामना है कि हमारे गाँव में थोड़ी साफ सफाई रहे, हमारे इधर नाली बन जाए, यहाँ पे कई लोग गिरते हैं, कई लोग के हाथ पांव में लगी हुई है, ये पानी की समस्या दूर हो जाए और किसी गरीब आदमी को झुग्गी मिले, जहाँ काम नहीं होता है वहाँ आगे रह के ये काम करवाते हैं। अभी वर्तमान में कौन सरपंच है आपका? अभी वर्तमान में चौहान है, और सेक्रेटरी? सेक्रेटरी अपने रुजनखेड़ी के हैं। क्या नाम है उनका? नाम तो सर मालूम नहीं, जानकारी मुझे। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? नर्मदा प्रसाद राठौड़। तो सर वो ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा गांव में साफ सफाई और ये नाली आली बन जाए तो क्यों, क्या अच्छा लगता है गांव में,
और ये देख रहे टूटी टापरी में ये झुग्गी झोपड़ी। अभी सुनने में आया कि वो गंदा पानी मस्जिद में इधर इधर नाली नहीं होने के कारण रोड से मस्जिद में जा रहा है। तो जा रहा है ना सर, अब नमाज पढ़ने वाले पांचों टाइम के नमाज पढ़ने वाले ये गंदी नाली में से निकल के जाएंगे। एक दिन जमात वाले आए वो गिर गए तो उनको। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.